ये तो हम जानते हैं कि स्त्रियों पर अत्याचार कई सालों से है और आज भी स्त्रियों को एक समान भावना नहीं दिया जाता है। कई सारे घरों में वुमेन एक्सप्लॉयटेशन होता है और स्त्रियों को एक कम दर्जा दिया जाता है। बट हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया जिसमें स्त्रियों को अपने अधिकारों से जो वंचित किया जाता है या उनको घर से निकाला जाता है, तो उसको लेके एक बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है कि वो अपने इन-लॉज के घर पे, मतलब वो अपने सास ससुर के घर में भी क्लेम कर सकते हैं। एज पर डोमेस्टिक वायलेंस लॉ के हिसाब से वो अपने सास ससुर के घर पे भी रह सकते हैं। जैसे पहले लॉ के हिसाब से ऐसे था कि पति का घर, जो पति ने ओन किया हुआ घर है, उसी में पत्नी को रहना है और उसी में वो क्लेम कर सकती है। बट अभी ऐसा नहीं है और सास ससुर के घर पे वो क्लेम नहीं कर सकती थी, बट अभी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर वो सास ससुर के घर पे भी क्लेम कर सकती है। ये एक ब्रॉडर व्यू है। जैसे कि नॉर्मली एक जॉइंट फैमिली होती है जिसमें एक बहू आती है, तो बाद में उसको घर के काम और बाकी के सब चीज़ें वो करती है जो कि वो एक पूरे फैमिली को मिलके करती है। और वो फैमिली का, जब फैमिली उससे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सपेक्ट करती है कि वो निभाए एक बहू के तौर पे, तो उसका अधिकार भी वैसे ही होना चाहिए। हालांकि लॉ के हिसाब से बहुओं को अधिकार नहीं था पहले सास ससुर के किसी भी प्रॉपर्टी पे या फिर किसी भी रहने के, मतलब अगर सास ससुर ने घर से जा निकल जा बोल दिया तो उनको निकल जाना पड़ता था, उनको कोई सहारा नहीं हुआ करता था। बट अभी सुप्रीम कोर्ट के ये रूल के सहारे हमें इतना सपोर्ट मिला है कि बहुओं को घर से नहीं निकाल सकते वो, कोई भी रीज़न हो, अगर उनका डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है या फिर कोई उनका दिक्कत है, तो वो अपना हक, अपने अधिकारी, वो अपने जो घर में, जो वो मायके से जिस घर में आई हैं, वो घर रेंटेड हो, चाहे वो घर सास ससुर का ओनरशिप का हो या चाहे कोई भी हो, उसको वो घर का, मतलब जो घर वालों उनके साथ रहने का है, वो चाहे अकेली भी रहे वो घर में, फिर भी साथ रहे या अकेले रहे, फिर भी उनको इन-लॉज के घर में रहने का पूरा अधिकार है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। और अधिक जानकारी के लिए मैं इस जजमेंट की लिंक आपको शेयर करती हूँ, वो आप ज़रूर देखना। मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो करना। धन्यवाद।